गुड मॉर्निंग टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स, और आज हम लेक्चर नंबर 26 लेने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बुक का पेज नंबर 40 ओपन कर लेना है। पेज नंबर 40 आप ओपन कर लीजिए। इनमें प्रैक्टिस 4 को ज़्यादा दिया हुआ है, टाइप 2 का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। जो पेज नंबर 39 पे जो टेबल है उसमें हम 6 टाइप की प्रैक्टिस, टंग प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 25 को बार बार आप देखिए और बार बार उसकी प्रैक्टिस करके, और उसमें जो भी बताया है वो अपने दिमाग में याद करके और फिर बिना देख के बोलने की कोशिश कीजिए। वर्ब चेंज कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने 6 टाइप्स पढ़ लिए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस नंबर 4 है, प्रैक्टिस नंबर 4 में क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इमेज दे रखी होती है उस इमेज को समझना होता है, और फिर नीचे का सेंटेंस देखना होता है, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, और फिर राइट आंसर आपको ऊपर की साइड इंग्लिश में दे रखा होता है। पहले इस इमेज को समझिए, फिर नहीं समझ में आए तो फिर नीचे का सेंटेंस देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, फिर इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, और फिर आपका आंसर मैच कीजिए ऊपर वाले आंसर से। पहले आप रफ कॉपी ले लो, ये सारे हिंदी हिंदी के सेंटेंस लिख लो, इंग्लिश की छिपा दो, फिर आपका आंसर अगर इससे मैच हो रहा है तो आप लर्निंग कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपका आंसर इससे मैच नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आप लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इस एक्सरसाइज को करनी है। इसमें जोक्स भी हैं, जोक्स भी आपको समझने हैं, फिर आप ये जोक्स दूसरे को सुनाने हैं। ओके, चलिए तो प्रैक्टिस 4 लेते हैं, जो कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि टाइप 2, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस जिसको एन से बताते हैं, टाइप 2 उस टेबल में, जैसा कि आपको इसमें बताया था टाइप 2, इसके सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस 4 में विथ जोक्स, यानी कि जो जोक्स हैं जोक्स के साथ इसको हम सीखेंगे, चुटकले जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, चुटकुले। अब इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक माँ है जो अपने बेटे को कुछ कह रही है, और उसका जो फेस है वो एंग्री है यानी कि गुस्से से भरा हुआ है, और ये जो लड़का है सुनने वाला ये भी नीची नज़र की हुई है, यानी कि इसने कोई ना कोई गलती की है या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं करता है। अब आपको इमेज समझ में आ गई, एक घर है, घर के अंदर ये बात इसको बताई जा रही है, तो नहीं समझ में आए तो फिर नीचे का सेंटेंस देखो, ये माँ अपने बेटे को क्या कह रही है। ये माँ अपने बेटे को कहना चाहती है कि तू पढ़ाई नहीं करता है, यानी कि माँ नाराज है। आप भी अगर लेक्चर देख लेंगे, घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी मम्मी भी इस तरह से गुस्सा होगी, नाराज़ होगी। तो आपको लेक्चर को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो अब देखो, ये माँ अपने बेटे को कह रही है तू पढ़ाई नहीं करता है। अब इसका आपको करना है ट्रांसलेशन। पहले इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या होता है, पहले पूरे सेंटेंस को आपको पढ़ना है और फिर उस पर प्रश्न पूछना है, कौन या किसने। तो ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट जो है वो बाहर आ जाएगा,
फिर सब्जेक्ट आने के बाद आप सेंटेंस सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर सेंटेंस के लास्ट में चलिए, सेंटेंस के लास्ट में आ जाना है और फिर पीछे से आगे आते रहना है, तो आपकी हिंदी से इंग्लिश बनती रहेगी। क्लियर? पहला तरीका क्या है, सब्जेक्ट निकालना है, फिर सेंटेंस के लास्ट में आना है और फिर पीछे से आगे चलते रहना है, तो आपकी हिंदी से इंग्लिश बनती रहेगी। ओके, चलिए इस पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। तू पढ़ाई नहीं करता है। अब पहले तो आपको सब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट निकालने के लिए पूरा प्रश्न पढ़ के उस पर पूछते हैं कौन या किसने। 90% तो सब्जेक्ट आपके कौन से निकल जाएंगे और 10% जो सब्जेक्ट आप किसने से निकाल लेंगे। तो अभी हम पहले कौन पूछेंगे, फिर किसने पूछेंगे। कौन से अगर आपका सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो फिर आपको किसने से पूछना है। अभी सेंटेंस को पढ़ो पूरा। तू पढ़ाई नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तू। ये पढ़ाई करने का काम जो है वो कौन नहीं करता है? तू नहीं करता है। तो आप तू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो आपने 10 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रखी है। तू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। अब आपने सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट लेने के बाद सेंटेंस के पीछे चले जाना है। जैसे हम सेंटेंस के पीछे चलते हैं तो हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है, हैं। अब टेंस की पहचान आपको करनी है। हैं से आपको क्या पता चल रहा है? हैं से आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है। है मतलब प्रेजेंट होता है, था मतलब पास्ट होता है और होगा मतलब फ्यूचर होता है। तो इसमें पीछे क्या आ रहा है? तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। थोड़ा और पीछे चलो। अब देखो, प्रेजेंट में भी चार टेंस होते हैं। सिंपल भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, परफेक्ट भी होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। इन्हीं में से कोई ना कोई ज़रूर है। तो आप क्या करो, थोड़ा और पीछे चलो। क्या मिला? ता। तो याद करो, ता, ती, ते किस में आता था? कौन से टेंस में आता था? सिंपल। तो सिंपल मतलब ता और प्रेजेंट मतलब है। तो ता है, ये तो आपकी हो गई टेंस की पहचान। क्लियर? अब टेंस की पहचान आपने कर ली, सब्जेक्ट आपने निकाल लिया, अब पीछे से आगे चलना है। यू निकाल लिया था तू से। अब ता है से दो चीज़ें माइंड में आ रही है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसमें एस या ईएस एडिशन करना है। अब आप देखिए कि आपने जो सब्जेक्ट निकाला यू, आई वी यू यू दे, ये प्लूरल में आते हैं और प्लूरल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो अब इंग्लिश क्या बनेगी? अब फर्स्ट फॉर्म किसकी करनी, ना तो आपकी ना मेरी, वर्ब की। तो पहले तो आपने क्या किया, तू के लिए यू ले लिया, ता है से ए सी एस फर्स्ट फॉर्म निकाल लिया। अब देखो, पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या, अब एस ई एस और फर्स्ट फॉर्म, अभी तक आपके दिमाग में एक चीज़ नहीं आई कि ए सी एस या फर्स्ट फॉर्म जो करते हैं, ये जो ए सी एस और फर्स्ट फॉर्म ये करते हैं, ये हम करते हैं टाइप वन में। किस में करते हैं? टाइप वन में करते हैं। लेकिन हम तो कौन सा पढ़ रहे हैं? टाइप टू। तो टाइप टू जैसे ही लेते हैं तो हमारे सामने ए सी एस या फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है। हमारे सामने एक नया मेहमान आ जाता है और वो है डू और डज। आई वी यू यू दे के साथ डू,
और ही शी इट सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देते हैं, डज लगा देते हैं, और नहीं आता है तो पीछे इन दोनों में कॉमन क्या लग जाएगा, नॉट। तो प्लूरल के लिए डू नॉट लग जाता है और सिंगुलर के लिए क्या लग जाता है, डज नॉट लग जाता है। क्लियर? तो देखो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो तू के लिए आपने लिया यू, करता है और नहीं आ रहा है तो डू नॉट या डज नॉट, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, और डू नॉट को शॉर्ट में हम डू प्लस नॉट, अगर आपको इसको शॉर्ट करना है तो डू को पूरा लिखो, इसमें एंटी को पीछे चिपका दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। यानी वर्ब डू को पूरा लिखना, पीछे एनओटी में से ओ गायब करके एंटी चिपकाना पीछे, तो क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। तो यू के साथ आपने क्या लिया, डोंट, नहीं करता के लिए क्या लिया, डोंट, और पढ़ाई स्टडी, पढ़ाई करना ऑलरेडी वर्ब है, स्टडी। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है सबसे पहले। चलिए अब आते हैं दूसरी इमेज के ऊपर। दूसरी इमेज में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक लेडी है, इसने इस टीवी को देख के मुंह फेर लिया, यानी कि इसको कोई चीज़ पसंद नहीं है। तो क्या पसंद नहीं है वो सामने आपको दिख रहा है, टीवी पसंद नहीं है ऑब्वियसली। तो अब इस सेंटेंस को देखो, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, किसे, मुझे, मुझे के लिए क्या लगाया, आई, सेंटेंस के पीछे है मतलब प्रेजेंट। अब मुझे टीवी देखना पसंद नहीं, इसका मतलब ये कहना ये चाहती हूँ, मैं टीवी देखना पसंद नहीं करती हूँ, ये अर्थ है। तो ती हूँ से वही सेंस ये स्पोकन का सेंटेंस ये हो जाएगा, बाकी रिटर्न में इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, जैसे आपके घर में खाना बन जाता है और आपकी मम्मी आपको खाना खिलाना है, तो कितने तरीके होते हैं उनको बोलना है कि हाँ खाना बन गया, जैसे खाना नहीं खाना है क्या, खाना ठंडा हो जाएगा, और कितनी देर लगेगी, क्या बात है आज लेट हो गए, इस तरह से कुछ भी सेंटेंस बोलेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला खाना ही खाएगा। तो इस तरह से एक सेंटेंस को कहने के कई तरीके होते हैं। अब ये सेंटेंस है, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, इसका मतलब मैं टीवी देखना पसंद नहीं करती हूँ, यानी कि ये आदत है इस लेडी की, ये ऐसा बोल रही है। तो ती है से वो डूडस निकाला, तो मुझे टीवी देखना पसंद नहीं, किसे, मुझे, मुझे के लिए आई, पसंद नहीं है तो आई के साथ डोंट लग जाएगा, पसंद को क्या कहते हैं, लाइक, और देखना वॉच। अब देखो लाइक क्या है, वर्ब है, और वॉच क्या है, वर्ब है, ओके, टू वॉच और टू लाइक दोनों वर्ब हैं, क्योंकि इनके पीछे देखना पसंद करना ना आता है पीछे, ओके। तो जब भी दो मेन वर्ब एक साथ आती तो अपनी मर्जी से आपको टू लगाना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब भी ये नियम है, ये ग्रामर का एक नियम है, जब भी कोई दो मेन वर्ब एक साथ आ जाती है तो आपको क्या करना होता है, आपको उन दो मेन वर्ब में से बीच में टू लगाया जाता है। अब अगर आप ऐसा नहीं करो तो आपको नानीने का नियम पढ़ा है, वो ध्यान रखो। अब देखो इसको ऐसे बनाते हैं, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, किसे पसंद नहीं, मुझे, तो मुझे के लिए क्या ले लिया आपने, आई, फिर सेंटेंस में नहीं है से डू नॉट डज नॉट, ओके, तो आई के साथ डू नॉट को शॉर्ट में क्या लिख दिया, डोंट लिख दिया। अब पसंद, पसंद को क्या कहते हैं, लाइक। अब देखो ना नीने का नियम आपने पढ़ा है, ना, तो ना के लिए फिर आपने टू लगा दिया, देख तो देख के लिए वॉच, और टीवी, टीवी। कितना इजी वे में ये ट्रांसलेट हो चुका है, आई डोंट वॉच टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, क्लियर। चलिए अगली इमेज क्या कह रही है, अगली इमेज कह रही है गीता को पढ़ना पसंद नहीं है, मतलब वही ये गीता पढ़ना पसंद नहीं करती है, वही ये ता है ती है वाला सेंस ही इसमें आ रहा है। तो ये कौन सा टेंस माना जाएगा, सिंपल प्रेजेंट माना जाएगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना है, सब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। अब पूरा प्रश्न पढ़ो, गीता को पढ़ना पसंद नहीं है, किसे, गीता, तो सब्जेक्ट क्या ले लिया, गीता, फिर सेंटेंस के पीछे है मतलब प्रेजेंट, नहीं करती है, नहीं है, तो प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल है या सिंपल प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं,
और नेगेटिव है, नहीं आ रहा है, तो डू नॉट या डज नॉट लगाना है। यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनमें डू डू नॉट डज नॉट ही चलता है, डू डज ही चलता है। ओके चलो, सब्जेक्ट ले लिया गीता, फिर अब गीता है कितनी, सिंगुलर है, तो अब डू नॉट नहीं लगाएंगे। सिंगुलर में क्या आता है, डज नॉट, और डज नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, डज पूरा लिख के एंटी चिपका दो। अब पर्सन को क्या कहते हैं, लाइक, ना, तो टू भी लगा सकते हैं, और पढ़ को क्या कहते हैं, रीड भी कह सकते हैं। अब देखो, अब आप दो तरीके अपना सकते हैं, या तो दोनों मेन वर्ब के बीच में टू लगा सकते हैं। अगर आप टू नहीं लगाओ तो जो सेकंड वाली वर्ब में उसमें आईएनजी भी जोड़ सकते हैं, तो दोनों का मतलब जो है वो आपका सेम रहेगा। ओके तो गीता डजंट लाइक रीडिंग। अब इसके पहले वाला ये देखो, अब इसमें मैं और कैसे बना सकता हूँ, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं, तो आई डोंट लाइक, अब टू वॉच नहीं लिख के वॉचिंग भी लिख सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आईएनजी भी लगा सकते हैं। सेकेंड वाली वर्ब में आप आईएनजी आपको लगाना है, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों तरीके होते हैं कि जब भी कोई दो मेन वर्ब आ जाए तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इन दोनों मेन वर्ब के बीच में टू लगाकर, अगर आपको टू बीच में नहीं लगाना है तो सेकेंड वाली वर्ब में आप आईएनजी जोड़ के, ये दो तरीके होते हैं। ओके तो इन दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं। क्लियर? ओके चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका, क्या कहना चाह रहा है, मुझे फल अच्छे नहीं लगते हैं, या मतलब मुझे फल पसंद नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। किसे पसंद नहीं है, मुझे, तो मुझे के लिए क्या ले लिया, आई। फिर सेंटेंस से पीछे से आगे चलना है तो ते हैं, सिंपल प्रेजेंट, आई के साथ नहीं आ रहा है तो डोंट लग जाएगा। फिर अच्छे लगने को क्या कहते हैं, लाइक, और फल को क्या कहते हैं, फ्रूट्स। बहुत ही सिंपल वे में ट्रांसलेट हो गया। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, वह दूध नहीं पीता है, इसकी मम्मी कह रही कि वह दूध नहीं पीता है। सबसे पहले पूछो, पूरा प्रश्न पढ़ो और उस पर पूछो कौन, तो क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, यानी कि वो काम को करने वाला करता आ जाएगा। अब इसको आप देखो, वह दूध नहीं पीता है, कौन नहीं पीता है, वह, तो वह के लिए आपने क्या लिया, ही। फिर आपको क्या करना है, सेंटेंस को पीछे से आगे लाना है, ता है प्रेजेंट सिंपल, और नहीं आ रहा तो डू नॉट डज नॉट, तो ही के साथ क्या आएगा, डज नॉट को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, डजंट। अब पीना, ता तो उसमें चला गया, पी को क्या कहते हैं, ड्रिंक, और दूध को क्या कहते हैं, मिल्क। ये हो गया ट्रांसलेशन, बहुत ही ईजी वे में। आप यहाँ पे आपको ना तो ऐसा सूत्र नहीं बताने वाला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इस तरह से आपको सिखाया जाता है, मैं आपको ऐसा कुछ भी सूत्र नहीं बताऊँगा, बिना इसके ही आपको सिखाना है। सब्जेक्ट ऐसे नहीं लेना है, हेल्पिंग वर्ब इस तरह से आपको यूज़ नहीं करना है। क्लियर? अगर इसमें देखो आप, इसमें भी सब कुछ आ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सूत्र आपको सीखना ही नहीं है, फॉर्मूला आपको सीखना ही नहीं है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो वर्ब दे रखी है उसी को आपको बनाने की कोशिश करनी है, आपको सूत्र फॉर्मूला पैटर्न नहीं लगाना है। चलिए आप देख लेते हैं जोक्स पोल आप। अब इस निगेटिव से रिलेटेड कौन कौन से जोक्स आए हैं, उन जोक्स को इस लेक्चर में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला जोक आया, इसमें डॉक्टर और रोहन के बीच में बातचीत हो रही है, क्या कह रहे हैं, रोहन कह रहा है कि अ डॉग हैज़ बिटन मी, कुत्ते ने मुझे काट लिया है, एक कुत्ते ने मुझे काट लिया है। तो फिर डॉक्टर बोल रहा है, आई डोंट सी द पेशेंट आफ्टर 8 PM, रात को 8 बजे के बाद मैं किसी मरीज को नहीं देखता, चाहे कुत्ते ने काटा हो किसी ने काटा हो, तो मैं किसी मरीज को नहीं देखता हूँ, ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। अब रोहन वापस क्या कह रहा है, आई नो डॉक्टर बट दैट डॉग डजंट नो। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्वियसली किसी पेशेंट को 8 बजे बाद नहीं देखते हैं, ये बात मानिए,
और मुझे पता भी है, लेकिन जिस कुत्ते ने मुझे काटा है उस कुत्ते को पता नहीं है कि 8 बजे के बाद डॉक्टर साहब नहीं देखते हैं तो मैं नहीं काटूँ। तो ये तो इस तरह से कुछ जॉक्स हैं। तो अगला इसी तरह से जॉक है मैन और जज के बीच में। देखो ये जॉक, अब इस आप देखो, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा हम पढ़ रहे हैं, जिस टेंस को पढ़ रहे हैं उसी टेंस में जिस टाइप को हम पढ़ रहे हैं उस टाइप का आपकी क्या है जॉक है। तो जैसे डोंट यूज़ हुआ है आई के साथ, नो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है आई के साथ, ओके। तो ये सिंपल प्रेजेंट का इंडिकेशन है। अगला क्या आ रहा है, जज कह रहे हैं डू यू सीक डिवोर्स, क्या आपको तलाक चाहिए। तो मैन बोलता है यस। फिर जज बोलता व्हाई, क्यों चाहिए। तो मैन बोलता है बिकॉज आई एम मैरिड, क्योंकि मैंने शादी की है। तो कुल मिला के ये जज और मैन के बीच में बात हुई है, यानी कि इतनी बुरी बताई है मैरिज को इस जॉक के अकॉर्डिंग। वाकई में बहुत ही सुंदर है बाकी ये जॉक्स हैं। अभी पिंटू और चिंटू के भी बहुत सारे जॉक्स आपने पढ़े होंगे। तो पिंटू और चिंटू के बीच में क्या बातचीत है, देखो पढ़ते हैं। पिंटू कहता है चिंटू योर फादर इज़ अ वेरी गुड टीचर ऑफ इंग्लिश। चिंटू तेरे पिताजी तो इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं, बट योर ब्रदर डजंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश। लेकिन चिंटू तेरे पापा जो हैं वो इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन तेरे भाई को तो इंग्लिश पढ़ना आती ही नहीं है। तो फिर चिंटू बोलता है सो वॉट, तो क्या, योर फादर इज़ अ डेंटिस्ट, तेरे पापा भी तो डेंटिस्ट यानी कि दांतों के डॉक्टर हैं, एंड योर लिटिल ब्रदर और तेरा जो छोटा भाई है डजेंट हैव अ सिंगल टूथ, उसके तो दांत ही नहीं, एक भी दांत नहीं है। तो इस तरह से बातचीत है। अब हमें मेन फोकस क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव का यूज़ हुआ है। अब देखो ब्रदर कितना है, एक है, तो डजेंट यूज़ हुआ, ओके। फिर और कहाँ यूज़ हुआ, सिंपल प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करो इसमें, सिंपल प्रेजेंट और कहाँ यूज़ हुआ है, सिंपल प्रेजेंट योर ब्रदर, लिटिल ब्रदर, छोटा भाई एक ही है, तो फिर डजेंट यूज़ हुआ है, ओके। तो ये सिंपल प्रेजेंट के आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, आपको एक हाईलाइटर लेना है और सिंपल प्रेजेंट का जो इंडिकेशन है इसमें उसको हाईलाइट करना है। मैं आपकी बुक चेक करूँगा जब भी हम मिलेंगे कि वाकई में आपने हाईलाइट कर रखा है या नहीं कर रखा है। चलो ठीक है, अगला जो जॉक है, वो काफ़ी जॉक्स बनते हैं हस्बैंड और वाइफ के ऊपर। तो देखो वाइफ कह रही है डोंट यू थिंक डार्लिंग दैट मैन ग्रोज वाइजर देन आफ्टर मैरिज। प्रिय आपको नहीं लगता है कि शादी के बाद इंसान जो होता है, आदमी जो होता है वो ज़्यादा समझदार हो जाता है। एक वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसा कह रही है कि आपको नहीं लगता है कि शादी के बाद जो मैन होता है वो ज़्यादा समझदार हो जाता है। तो फिर हस्बैंड कहता है बट इट इज़ टू लेट देन, तो फिर हमें बहुत देर हो गई है ना। तो इस तरह से जॉक्स हैं, पंच हैं। अब इसमें आप हाईलाइट करो सिंपल प्रेजेंट का है डोंट, और हाईलाइट करो ग्रोज, एस ई एस भी लग रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का इंडिकेशन है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला जोक बहुत ही अच्छा है और मेरा फेवरेट भी है। देखो क्या है, क्या कहा इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन मिल्क एंड वाइन। मिल्क मतलब होता है दूध और वाइन मतलब होता है शराब या दारू। तो ऐसा प्रश्न पूछा है कि दूध और शराब में क्या मतलब डिफरेंट है, अंतर है, फ़र्क क्या है। तो फिर इसका आंसर किसी ने दिया है, फर्स्टली अ मैन ड्रिंक्स मिल्क, सबसे पहले आदमी दूध पीता है, देन ही ड्रिंक्स वाइन, फिर वो वाइन पीता है, शराब पीता है, देन वाइन ड्रिंक्स हिम, फिर दारू उसे पी जाती है। समझ आया आपको। तो अब इसमें हाईलाइट करो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ड्रिंक्स, एस ई एस लग रहा है, ड्रिंक्स ड्रिंक्स,
तीनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंबल है। ओके चलिए, हस्बैंड वाइफ के ऊपर एक और जोक निकल के आया है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। जोक क्या है, वाइफ कह रही है अपने हस्बैंड को, वेन एवर यू एंटर द रूम यू स्विच ऑफ द टैप, व्हाई? जब भी तुम रूम के अंदर आते हो तो तुम टैप बंद कर देते हो, टैप ये ना बजती है, गाना वाना बजता है टैप के अंदर, टैप बंद कर देते हो, ऐसा क्यों? जब भी तुम रूम में आते हो तो ये टैप क्यों बंद कर देते हो? तो हस्बैंड कहता है, डार्लिंग आई डोंट लिसन टू रेडियोज एट द सेम टाइम। हस्बैंड कहते हैं कि प्रिय, मैं दो रेडियो एक साथ नहीं सुन सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपनी वाइफ को क्या बोला, रेडियो। तो इस तरह से जॉक है। तो अभी हमें हमारा टारगेट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हाईलाइट कहाँ हो रहा है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस आई के साथ डोंट लग रहा है, ओके, व्हेन यू इंटरव्यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रही है, प्लूरल है, ओके। तो इस तरह से आपको ये जोक्स क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में सुनाना भी है, ओके। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिस 4 कैसे करनी है आपको पहले भी बताया है, ट्रांसलेशन कंट के जोक पढ़ के समझ के सुनाने की कोशिश करनी है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।